नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जैसा कि गौरतलब है, तीन चार दिन पहले गांव मिरजपुर में गांव मदनहेड़ी की पंचायत गई थी और कुछ छात्राएं उनके साथ गई थी, तो वहां कैप्टन अभिमन्यु जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, उनसे किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव सा हो गया था और उन्होंने गांव में आके इस मामले को थोड़ा बड़ा तूल दिया गया और गांव वालों ने इस चीज में अपमान समझकर स्कूल पर ताला जड़ दिया छात्राओं ने और गांव ने उनका समर्थन कर दिया। फिर वो राजनीतिक तूल ले गया मामला, तो धीरे धीरे अब गांव में तीन चार दिन लगे इस मामले को निपटाने के लिए। आज कैप्टन अभिमन्यु गांव में आए मदनहेड़ी के अंदर, क्योंकि ये उनके हल्के का ही मेन गांव है, तो यहां आकर उन्होंने आज जो भी इनके बीच में बातचीत हुई थी उसके बारे में वहां सारे गांव को अवगत करवाया और अपनी जो थोड़ी बहुत गलतफहमी थी उसको उन्होंने उसमें कोशिश की कि भाई गांव की जो मनमुटाव हो दूर किया जाए, और दोनों ने, छात्राओं ने भी और उनने भी, अब अपना पूरा मनमुटाव पंचायत के साथ भी पूरे गांव के साथ जो कमेटी बनाई गई थी उसमें उन्होंने अपनी बात रखी और उससे पूरी सुलह हो चुकी है। अब गांव में किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, न ही कैप्टन साहब के साथ कोई मनमुटाव रहा और न ही छात्राओं ने उनके बारे में कोई शिकायत है। हाँ, जहां तक प्रिंसिपल की बदली की बात है, वो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभी पॉलिसी नहीं बनी है और तबादला नीति के तहत ये पूरे हरियाणा का मसला है, जहां जहां म्यूचुअल ट्रांसफर होंगी और सरकार इसमें ढील देना चाहेगी, खासकर ये लगता है कि चुनाव के बाद ही हो पाएगा क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, तो उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो ही ये प्रोसीजर शुरू होगा तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर इस प्रिंसिपल की बदली दोबारा से यहां करवा दी जाएगी, इस बात का उन्होंने कहा है। और उन्होंने किसी भी किस्म की बात की कहा हुए मेरे से कोई गिला शिकवा है तो मैं खेद प्रकट करूंगा, लेकिन इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात गांव ने नहीं मानी। उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे जो छोटे बड़े मनमुटाव थे वो सारे दूर हो गए हैं, आज के बाद कोई गिला शिकवा नहीं है, जो बातें थी वो पुरानी हो चुकी हैं, अब कैप्टन अभिमन्यु और गांव के बीच में किसी किस्म का कोई मनमुटाव नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से इसमें मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि इसमें जो लड़की जिसने बड़ा उत्तेजित भाषण दिया था, मंजू नाम की एक लड़की है मेरे गांव की, उसका भी अब स्पष्टीकरण इसमें वीडियो में दिखा रहा हूं, और गांव के सरपंच जो कि नरेंद्र है और नरेंद्र चहल की भी स्पष्टीकरण जो उसमें है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते। आपके गांव में क्या रहा? मतलब जो उन्होंने कहा, अपना स्पष्टीकरण दिया, भाई ये हुआ, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हमारे बीच में अब सॉल्व हो गई है और हमसे भी गलती हुई, हमने बहुत कुछ जो बोल दिया नहीं बोलना चाहिए था, और वे हमारे माता पिता के समान है जो हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, तो हमारा सदैव से उनके साथ जो भाईचारा रहा है हम वो बना रहे, इसलिए गलती होगी और सॉरी। तो क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, अब हम संतुष्ट हैं क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो सॉल्व हो चुकी है। क्या नाम है? मंजू। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो ये कुछ दिन से चल रहा था कैप्टन साहब के बारे में और गांव वालों के बारे में, वो सब मतलब भाईचारा से सुलट गया, थोड़ी गलतफहमी थी गांव वालों का भी, कैप्टन साहब का भी। उन्होंने यही कहा था कि भाई इन बच्चियों को यहाँ क्यों लेके आए इतनी दूर, स्कूल में छुट्टी करवाई, दो चार जने आ जाते हमारे पास, ये सोल्यूशन हो जाता, इससे सारा पूरा गाँव सहमत है, अब कोई गिला शिकवा नहीं। जो वो बच्चे थे वो बिल्कुल सहमत हैं। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब ने बड़प्पन दिखाया है। हाँ, बड़प्पन, बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया है कैप्टन साहब ने, कहा कि इनको अभी ये थोड़ी बहुत गलत फहमी अपने मन ने अपनी बच्ची समझ के कुछ थोड़ा गुस्सा बोला था, कोई बात नहीं है। आपका नाम? नरेंद्र चहल। कि अभी आपने वीडियो देखा, इसमें जो मंजू नाम की लड़की है उसने भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और गाँव के सरपंच नरेंद्र चहल ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। अब इन बातों से सबको ये तसल्ली हो जानी चाहिए कि अब किसी किस्म का कोई मनमुटाव गांव में नहीं है। तो दोस्तों, आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई खास बात है तो हमें कमेंट करें और बताएं, कोई सुझाव देना है सुझाव दे सकते हैं। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत